प्यार की। ये वादा जो तनु ने किया था ऋषि के साथ, इस वादे को तोड़ने का वक्त आ चुका है। वो ऋषि को धोखा देकर फना हो जाएगी। तनु के फना होने की घड़ी नजदीक आ गई है, जिसकी एक रिहर्सल आप देखते जाइए। गाने एक्चुअली बहुत मज़ा किया, जैसे मैंने कहा पूरे दिन बारिश हो रही थी, और बारिश में उस ट्रेलर पे जाना और यू नो लंबी ड्राइव पे जाना, बिकॉज बहुत लंबे शॉट्स थे हमारे, तो आई थिंक उस सेंस में मुझे एक्चुअली आज का दिन बहुत ही अमेजिंग था। और मुझे मराना के दिन याद आ गए, जब मैं घोड़े को लेकर भागता था पूरे फिल्म सिटी में, तो आज पूरी फिल्म सिटी में मैं बाइक चला रहा था, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मुंबई के फिल्म सिटी की सड़कों पर सुहाने मौसम में ऋषि और तनु निकल पड़े हैं बाइक राइड पर, जहाँ पर इनका साथ दे रहे हैं पूरे यूनिट वाले। ये बाइक की सवारी थोड़ी सी अनोखी है, एंजॉय नहीं करने वाले भी इसे देखकर पक्का एंजॉय करेंगे। दर्शकों देख लीजिए, शूटिंग करते वक्त आप सबको बेस्ट देने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। हम आउटडोर शूट कर रहे हैं, इतनी हसीन वादियाँ हो रही है, लश ग्रीन एवरीवेयर, लुक्स ब्यूटीफुल, शूट करने में भी बहुत मजा आता है। हाँ बिल्कुल, ऐसे लग रहा है कि घर वापस आए हूँ, क्योंकि 1.5 साल मैंने यहाँ शूटिंग की है माराना के लिए, और आई थिंक आज वेदर आई थिंक इतना अमेजिंग है कि एक्चुअली लग रहा है कि हम सब किसी हिल स्टेशन पे आए हैं, और ये मुझे बॉम्बे नहीं लग रहा है। तो आई थिंक पीछे ऐसे देख पा रहे हैं सब जगह, यू नो एक इतना मिस्टी हो गया है, बारिश हो रही है पूरे दिन। सीन में एक्ट्रेस को ये समझाया जा रहा है कि किसकी क्या पोजीशन होगी, गोली कैसे लगेगी, हीरोइन कैसे गिरेगी, हीरो उसे कैसे बचाएगा। इस पूरे सीन का डिस्कशन चल रहा है, देख लीजिए तनु को फना होने वाला सीन कैसे किया जाएगा। शायद इसीलिए मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ स्टंट्स करने का जब टाइम आता है, क्योंकि वो 1.5-2 साल मैंने सिर्फ स्टंट्स ही किए हैं, तो जो मेंटल ब्लॉकेज होता है वो नहीं रहता व्हेन यू ऑलरेडी डन समथिंग सो बिग, सो आई एंजॉय डूइंग ऑल दीस थिंग्स। तनु और ऋषि के फैंस बहुत ही उदास हैं, क्योंकि तनु बहुत जल्द ऋषि को छोड़कर जो चली जाएगी। फैंस की गुहार कृतिका और शरद सुन रहे हैं, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, कहानी की डिमांड ही कुछ ऐसी है। तनु फना होगी तभी तो नई तनु आएगी, ये वादा कर रही है तनु। फना तनु कहीं नहीं जाएगी, तनु तो तनु और ऋषि की कहानी है ये, उनके प्यार में जो उन्होंने कस्में खाई हैं उसकी कहानी है ये, तो तनु तो वापस आएगी, ऑफ कोर्स एक नए रूप में आएगी लेकिन वापस आएगी। कृतिका के साथ मैं एक्चुअली जैसे आई थिंक कृतिका को मैं पिछले 3 सालों से जानता हूँ, तो आई थिंक बहुत ही चिल्ड आउट है, बहुत ही कोऑपरेटिव एक्टर है, बहुत ही एडजस्टिंग एक्टर है और अच्छी एक्टर है, तो आई थिंक जब और डेफिनेटली चीज़ बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, तो आई थिंक एक जब इतनी सारी चीज़ें जब मिस जब सडनली चले जाती हैं तो थोड़ा तो डेफिनेटली अजीब सा लगता है, बिकॉज एक बॉन्डिंग होती है इतनी अच्छी, और अच्छी केमिस्ट्री रही है, लोगों ने बहुत पसंद की केमिस्ट्री, तो उम्मीद है कि लोग कृतिका के जाने के बाद भी शो देखते रहें। कृतिका भले ही आप सीरियल से गायब हो जाएं, लेकिन अपने फैंस के दिलों में तो हमेशा रहेंगी, और फिर ये तो डेली सोप है, आपसे नाता तो जुड़ा ही रहेगा, फिर क्या पता कहीं कसम में आप फिर से नजर आ जाएं। मुंबई से सुशीला उपाध्याय के साथ ABP News रिपोर्ट।